दोस्तों, तो आज मैं लाया हूँ अपने गार्डन ओवरव्यू का पार्ट 3। तो कल तक हमने ये हिबिस्कस तक कवर कर लिया था। चलिए अगले प्लांट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लांट है मेरा, ये कॉडलिन का प्लांट है। देखिए कितना अच्छा प्लांट है ये। प्लांट फ्रेंड ड्रेकिना वैरायटी से बिलोंग करता है और ये बहुत ही सुंदर कलर्स में आता है। ये मेरा रेड कलर वाला है, बहुत ही प्यारा कलर होता है इसमें। बहुत अच्छी अच्छी वेरिएशंस देखने को भी मिलती हैं। इसमें ग्रीन शेड वाला भी आता है, वो भी ड्रेकिना ही होता है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल। पहले मेरे पास था, वो मेरा कोई ले गया यहाँ से उखाड़ के मेरा गार्डन, जैसे मैंने आपको बताया था, तो कोई चोरी करके ले गया। लेकिन मेरे पास इसमें 2 से 3 वैरायटी थी अब, लेकिन सिर्फ ये एक ही प्लांट बचा है। इसमें से इसने नीचे से अपना बच्चा दिया है, मतलब सकर निकला है। इसमें से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये छोटा सा ये जो प्लांट दिख रहा है आपको, ये इसी बड़े वाले प्लांट का बेबी है। बेबी इसे नीचे से निकला है, ये देखिए जहाँ से ये इसका मेन स्टेम थी और ये यहाँ से निकला है। तो ये वाला प्लांट मेरा कटिंग से लगाया हुआ है। तो मैंने एक और बार इसको कटिंग से लगाया था, वो भी बहुत सुंदर प्लांट हो चुका है। वो आपको आगे के पार्ट्स में देखने को मिलेगा। वो मैंने पॉट में लगाया हुआ है अभी, अपने गार्डन के साथ हूँ तो पॉट्स की तरफ नहीं गया हूँ। ये बहुत ही प्यार लगता है मुझे। तो ये आप खरीदने जाओगे तो आपको 150 से 200 का मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे कटिंग लगाएं तो ये बहुत ही अच्छी सी ग्रो कर जाता है और आपको फ्री में प्लांट मिल जाएगा। तो कहीं से भी कटिंग ले लें और उसको उगा लें। ये नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये अजवाइन का। ये अजवाइन है या नहीं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लेकिन सब लोग इसे अजवाइन ही कहते हैं, इसलिए मैंने कहा नाम पे भी जुबान पे इसका नाम अजवाइन ही हो गया है। क्योंकि इसके पत्तों में अजवाइन जैसी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन मेरे अनुसार ये अजवाइन नहीं है। क्योंकि अजवाइन का मैंने प्लांट जब सीड्स से ग्रो किया था तो वो बिल्कुल धनिया के प्लांट जैसा निकला था, अजवाइन जैसा था ही नहीं वो। तो मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, लेकिन इसमें जो फ्लेवर है, इसकी जो सेंट है, वो बिल्कुल अजवाइन के प्लांट जैसे है। ये वाला प्लांट भी अगर आप खरीदेंगे तो आपको 30 से 40 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी इतनी सी कटिंग लगाइए, इतनी सी, वो भी चल जाएगी। मीन्स अगर मैं यहाँ से ग्रोइंग एरिया से इतनी टिप भी तोड़ लूँ तब भी चल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट के पास चलते हैं। तो ये है मेरी रंगून क्रीपर की बेल, जो ये ऊपर मैंने पहुंचाई हुई है, और ये वहां से इसका रूट लेवल दिखाता हूं आपको। तो ये है दोस्तों इसका रूट लेवल, देखिए ये कितनी कितनी लंबी लंबी इतने स्टेम्स निकलती हैं और जो पूरी ऊपर तक जा रही हैं। ये प्लांट मैंने फ्रेंड्स 30 रुपीज़ का लिया था, जिसमें एक ही स्टेम थी, और वो आज से मैंने 2 साल पहले लिया था। और अब इसमें इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि ये अपने आप ही इतने सारे प्लांट बन चुके हैं। देखिए नीचे से अगर चाहूँ तो सेपरेट करूँ, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये ग्रो करती है, इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि आपका एक ही प्लांट पूरे आपके आंगन को, मतलब आपका जितना भी लॉन है, पूरा कवर करने की हिम्मत रखती है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती। इसमें जो आते हैं वो फ्लावर्स आते हैं बंडल की सूरत में, येलो और पिंक और वाइट कलर के। लेकिन मेरी बेल ने अभी तक फ्लावरिंग करी नहीं है, क्योंकि मेरे को इसका रीज़न भी पता है। मैंने इसे लगाया हुआ है एक शेडी प्लेस में, और इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। शेडी प्लेस में ये सिर्फ ग्रो करती है, इसमें बहुत सारी लीव्स निकलती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी रहे, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। इसका कारण ये मुझे पता है, इसलिए मैं इसको सोच रहा हूँ किसी अच्छी सी प्लेस में शिफ्ट करूँ पॉट में लगा के। लेकिन इतनी बड़ी बेल को शिफ्ट करना एक आसान काम नहीं है, इसलिए मैं हमेशा हार जाता हूँ इसमें। तो ये भी आपको 30 से 40 रुपीज़ की मिल जाएगी नर्सरी में अगर आप लेने जाएंगे तो। तो ये जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है, ये मेरा जामुन का ट्री है। ये मैंने सीड से कल्टीवेट किया था, और ये देखिए इसका रूट लेवल दिखाऊँ आपको। तो ये रहा, ये एक ही प्लांट है जो मैंने इसमें ग्रो किया था, और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब बहुत जल्दी ये ट्री भी ले लेगा एक लुक। लेकिन ये जो है हाइब्रिड वेराइटी है जामुन की, जो मोटे वाले जामुन आते हैं ये उसका ट्री है। अगर आप देसी जामुन लगाएंगे तब तो ट्री अच्छा जल्दी ग्रो करेगा, हाइब्रिड वाला ट्री थोड़ा धीरे ग्रो करता है। तो ये अगर आप लेने जाएंगे तो आपको अगर अडल्ट ट्री चाहिए तो 100-150 का मिलेगा, और अगर छोटा प्लांट चाहिए तो 50-60 का ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे घर से उगाएं तो बहुत ही इजीली ग्रो कर सकता है सीड से भी ये। तो जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये मेरा हार श्रृंगार का ट्री। ये भी मैंने सीड से ग्रो किया था, 2 ट्री ग्रो किए थे, और ये देखिए कितना कितना बड़ा हो चुका है। एक घनी झाड़ी की सूरत ले ली है इसने, बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाता है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, 180 रुपये का मिलेगा आपको अगर 180-200 रुपये के बीच में अगर आप नर्सरी से लेंगे तो, क्योंकि इसके बहुत सारे हर्बल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये दूसरा ट्री है जो मैंने ग्रो किया था सीड से, 2 ट्री हैं, एक ये वाला है और एक आगे जो दिखाया था। तो मुझे इस प्लांट के सीड्स मेरे ही ग्राउंड से मिले, जो मेरा ये प्लांटर है इसमें लगे हुए थे 2 बड़े बड़े ट्री। इसमें आपको दिखाता हूँ उनकी इमेज भी। ये देखिए जो ट्री है ये हारशंगा का ट्री है, तो इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होने के बाद सीड्स तैयार होते हैं जिनको मैं ग्रो कर लेता हूँ। बहुत ही इजीली ग्रो कर जाते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं आप इसे। तो ये नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये ओलियंडर का, इसे हम कनेर के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, मेरा पिंक वाला है, और इसमें 2 से 3 शेड आती हैं, पिंक, येलो, वाइट, बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत चीप प्लांट होता है फ्रेंड्स, 20 से 30 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको बहुत ही आसानी से। बिल्कुल अगर आप कोई केयर नहीं करना चाहते तो आप इस प्लांट को लगाएं, ना पानी मांगता है ना खाद मांगता है, और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती रहती है इसमें। तो ये जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, ये बोगनवेलिया का, इसे आप क्लाइम भी करा सकते हैं और एक बुश का आकार भी सकते हैं। मैंने एक बुश का आकार देने की कोशिश करी है, देखिए जिस तरह से ये मैंने लगाए थे। तो ये मेरी पिंक कलर वाली है, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, इसमें मल्टी कलर भी आपको मिल जाते हैं जो हाइब्रिड वैराइटीज होती हैं जिसमें ग्राफ्ट किया होता है। तो ये भी अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 50 से 60 रुपये के रेट में मिलेगी,
तो ये भी एक बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, बिना पानी के सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं ज़्यादातर। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देंगे आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे और प्लांट्स के साथ। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।